ये हान जी नुमान का मेन जो है लीडिंग करेक्टर। आप बोले ना, मेरी बचपन की ख्वाहिश थी कि मैं पंखे कौन है आईडी कार्ड। क्या कहती, वो एडिट कर देंगे फोटो में, बस इसको गार्निश करते हैं इंशाल्लाह, फ्रिज में रखते हैं और फिर हम चलते हैं। जरा आज हम आए हैं जी बहुत देर बाद गार्डन में और यहाँ पर हो रही है कुछ शूटिंग शॉर्ट्स के लिए। एग्जैक्टली एंड मैंने कहा कि आपको भी थोड़ा सा दिखा दूँ, ये गार्डन मेरा फेवरेट गार्डन है और मैं यहाँ पर आई हूँ तकरीबन 4-5 माह के बाद। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू हांस इन ओमान एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ये हांस इन ओमान का मेन जो है लीडिंग करेक्टर आज फिंग ले रहे और साथ इनके मैं ले रही थी। एग्जैक्टली बचपन में लगता है आपने बहुत ली है। हाँ, और मौसम देखें कितना प्यारा, माशाल्लाह बहुत अच्छी हवा चल रही है। जी 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 जी, सही है। वो पीछे ओमानी अंकल ऐसे मेरे मियाँ को देख रहे हैं कि जैसे पता नहीं मेरा मियाँ क्या कर रहा है। सही बात है, हम लोगों ने और लॉन्ड्री एरिया जो है वो यहाँ कॉमन वॉशरूम में दिया हुआ है, सो यहाँ पर वॉशिंग होती है और तब तक मैं मियाँ साहब पे छापा मारा है कि प्लीज मुझे सेटिंग कर दें घर की। ये पेंटिंग्स हैं जी कुछ जो कि मैंने दराज से ऑर्डर की थी और ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगी थी। मियाँ साहब इसको डिस्क्राइब करें, आपकी कार्डबोर्ड पे बनी हुई है ना? हाँ जी, ये फ्लाई है, फूल बूटे बने, फूल बूटे। बहुत ज़्यादा प्यारी मुझे लगी थी मैं, और अब इसको सेट करते हैं इंशाल्लाह और देखते हैं फिर कैसी लगती है ये इंशाल्लाह। ऐसे इसकी अरेंजमेंट होंगी, लगा के दिखाते हैं इंशाल्लाह आपको। बस ये भागते भगाते और फटाफट से हम दोनों मियाँ बीवी ने अल्हम्दुलिल्लाह ये पेंटिंग्स जो हैं वो सेटल डाउन की थी और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। घर इस तरह सेट हुआ ना हल्का फुल्का सा तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और अल्हम्दुलिल्लाह जी ये देखें, ये फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह लग चुकी हैं और बहुत ही प्यारी लग रही हैं, मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं इस तरह की चीज़ें और मेरे मियाँ साहब को भी। अब इंशाल्लाह जी हम ये कमरा साफ़ करेंगे अपना सारा और ये पंखा मियाँ साहब मेरे साफ़ करेंगे जो कि गंदा हो चुका है, सो फिर इंशाल्लाह क्लीनिंग करते हैं हम रूम की अपने। कैसा लगता है मियाँ साहब आपको पंखे साफ करके? फुल क्लीनर लगता हूँ। आप बोले ना, मेरी बचपन की ख्वाहिश थी कि मैं पंखे साफ करूँ। मेरी बचपन की ख्वाहिश थी, मैं अपने घर के पंखे साफ किया करूँ और आज जाके पूरी हुई। देख लें, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको ये मौका मिला है अपनी ख्वाहिशें पूरी करने का। इस प्लेटफॉर्म का दिल से शुक्रगुजार हूँ, दिल से। हमारे रूम की थीम ब्लैक ब्लैक हो गई है, वैसे वॉल क्लॉक भी ब्लैक, बेड की बैक साइड भी ब्लैक है, वैसे बाय द वे मेरे मियाँ साहब ने खुद बनाई हुई है। और बेड का फ्रेम हमारा जो है वो आइकिया का है और हमारा जो है शीशा वो भी ब्लैक, ग्रेश ब्लैक। अब इंशाल्लाह बारी है जी इस लाइट को डिस्प्ले करने की और जैसे इंशाल्लाह ये लगती है फिर आपको मैं दिखाती हूँ ओवरऑल लुक वॉल की कैसी लग रही है। ये है जी अल्हम्दुलिल्लाह इसकी लुक लगने के बाद, एंड ये हमारा बेडरूम अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है। टाइम हो चुका है जी 7:23 मॉर्निंग। यस, एंड वी आर वेटिंग के आरओपी ओपन हो रहे हो और ऐसी जाके अपने बेगम का वीजा रिन्यूअल करवाएं। वीजा रिन्यूअल हो गया एक्चुअली, आईडी कार्ड बनवाना है। और हमें बताया गया था कि 7 बजे ऑफिस खुलता है लेकिन ऑफिस बंद है और वो सब लोग जो वहाँ पे खड़े हुए हैं वो ऑफिस खुलने का वेट कर रहे हैं। सो इंशाल्लाह जैसे ही ऑफिस खुलता है जी हम करवाते हैं अपना आईडी कार्ड रिन्यू एंड देन बैक टू होम इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग फ्री हो चुके हैं आईडी कार्ड बनवा के और मेरे साथ धोखा हो गया है। बेगम थोड़ी सी टचिंग टचिंग कर लो। इतनी मेरी प्यारी आईडी कार्ड की पिक्चर थी ना यहाँ पर, मैंने कहा नहीं वो 2 साल से तो चेंज नहीं कर रहे, माशाल्लाह चौथा साल है मुझे ओमान में, तो मैंने कहा अभी वो नहीं क्लिक करेंगे, 5वां माशाल्लाह। तो लेकिन उन्होंने कहा कि रूल्स चेंज हो गए हैं, पिक्चर का बैकग्राउंड चेंज हो गया, मेरी पिक्चर जो है तो चले देखता कौन है आईडी कार्ड। क्या कहती वो एडिट कर देंगे फोटो, मैं कहा वो आरोपी ने बैठे हैं, फोटो एडिटर नहीं बैठे हैं।
टेढ़ा भाजी टचअप टचअप दे देगा, कोई अगर फेस पे कोई मार्क्स हैं वो तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, डार्क सर्कल अगर हो गए हैं तो वो भाजी उसको क्लीन कर दे, फोटो फोटो एडिटर नहीं है वो, और बेचारा उधर बैठे आईडी कार्ड के लिए। चलें अब कोई तो भी यार वैसे जैसी भी होगी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह बस हम पहुंच गए वाले हैं घर, और आज मौसम बहुत प्यारा है, और ये पता नहीं बिल्लियां क्या कर गई हैं। आज क्या बन रहा है बेगम साहिबा? आज बेगम साहिबा किचन में क्या बना रही है? स्नैक्स में बन रहे हैं जी बेसन वाले आलू, एंड मीठे में बन रही है जी रसमलाई। ओए आगे बोला, आगे बोला, आगे आ पड़ी 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 नहीं होता, रुके रुके कुछ नहीं होता, क्या हो गया है? यार बंदा उसमें चम्मच ही मार देता है या उसका चूल्हा हल्का कर देता है, फिर मियां तो पै जाती होंगी गल करता हुआ हमारा शेफ जिसे हमने बुलाया है ऑल द वे फ्रॉम चीचावतनी, और ये डो रेडी कर रही हैं, रेडी टू कुक बना रही हैं जी हम रस मलाई। दिहाड़ी में देके भेजना। अच्छा जी आपके लिए बना रहे हैं ना खाना, ये देखें यहाँ पर ये बेसन वाले आलू रेडी हो चुके हैं, और हम ये वाली रस मलाई बना रहे हैं शान की, शान में पकाएं और खुद खा जाएं। ओके और ये जी इसकी जो मलाइयाँ हैं वो अपने रस में जा चुकी हैं, और अब इसको हम थोड़ा थोड़ा पकाएंगे और फिर शान में पकाए और खुद खा जाए। ये मैंने बनाई है क्योंकि यहाँ पे आके नहीं, नहीं 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 मैं अपना ही भाई पर दो मैं गुदी, आपने देखा है दो मैं गुदी दूध को बोला ले दे बेगम ये हाथ को चिपक रहे हैं मैं क्या करूं? तू कोई बात नहीं हो जाता है, छोटी मोटी गलतियां होती है बड़े बड़े शहरों में, कोई बात नहीं, इसका ये मतलब थोड़ी है कि तू क्रेडिट ले लेगी बेगम। ऐसे तो नहीं होता है। तौबा तौबा जानते हो ये मैं बनाई है, मैं ये मैंने बस मलाइयां बनाई हैं बस। हाँ मेरे मियाँ साहब की चॉपिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा फाइन है, तो मैंने मियाँ साहब को कहा कि प्लीज़ आप मुझे बादाम जो है वो कुतर दें। कुतर दें मतलब मैं चूहा कुतर दें मुझे बादाम जो है वो चॉप कर दें थोड़े से, लाइक चॉप कर दो ना अभी लेटेस्ट, कुतर दें मैं चॉप कर दें। तो सॉल्ट बे के बाद मार्केट में अवेलेबल है अब बादाम बे। कौन है ये लोग? हम क्लोजअप में आ जाते हैं, ये देखें जी कैमरे देते आ जाने, ये गार्निशिंग हो रही है रस मलाई की, मैंने इसी तरह मिट्टी के जो हैं बर्तन उनमें आम डाल के रखी है, बस इसको गार्निश करते हैं इंशाल्लाह, फ्रिज में रखते हैं, और फिर हम चलते हैं जरा बाहर। अब जा रहे हैं किधर? ऑलमंड बे हमें लेके जा रहे हैं, ऑलमंड दे बे नहीं, हमें लेके जा रहे हैं जी वो नमक पारे और बदाना लेके देने के लिए, पोपट ते बदाना। हाँ जी पोपट ते बदाना, इसको साफ कर लें, कितनी गंदी लग रही है यार ये। यार ये मैंने नहीं की, ये बिल्लियाँ चढ़ जाती है, मैं क्या करूँ? तो यूज तो आप करते हैं ना, बिल्लियों को क्या पता बिचारियों को, कैसे वो क्या लगा होता है वो साबुन ना कूच कूच के साफ होनी है, इतनी साफ होनी। पेट्रोल जब डलवाते हैं उनको बोल दिया करें वो साफ कर देते हैं, अभी तक गंदी लग रही है ना रिकॉर्डिंग मेरी, कुछ नहीं होता यार। ये जेड़ा गर्लफ्रेंड रहंदे ना उन्होंने पता है कि बिल्लियां भी ना एसियां शैतान ने उधर चढ़ के बैठी हैं, हां और बैठती भी गाड़ियों के ऊपर ही हैं। मिल गई मुझे दिखा रहे हैं कि मिल गई हैं, तुम हौसला रखो बेगम साहब, चलें थैंक यू। मैंने कहा शायद पापड़ मिल गए, बंद होने लगी है शॉप, मिल गया थैंक यू, कहते 9:30-9:40 तक कहते बंद कर देते हैं। थैंक यू। सुबह के टाइम पे यहाँ पे भाजी पराठा एंड छोले मिलते हैं, हलवा पूरी नहीं मिलती? नहीं हलवा पूरी नहीं, आए है तो कोई फायदा नहीं बोलना था, बंद कर दो दुकान अपनी, पराठा चेक करें जी, नमक पारे एंड यहाँ पर है, और ये है जी बदाना करने वाला ट्रैक, पोपट और बदाना लाने के बाद हम यहाँ पे करने लगे हैं जी वॉक, और आप मौसम देखें जी एक मिनट शायद वहाँ पे वो देखें, ये चेक करें आप, वाह जी आज तो बहुत प्यारी हवा चल रही है सामने माशाल्लाह। बस जी ये था आज का ब्लॉग, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।